हेल्दी लाइफ उसकी प्रॉपर फ़िज़िकल मूवमेंट है जो डेली होना चाहिए उसको भागना चाहिए दौड़ना चाहिए उसको रोज़मर्रा की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं वो खुद से करनी चाहिए और घरों में अगर अच्छी आदत अपनाई जाए जैसे बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दी जाएँ छोटे चोट छोटे काम दिए जाएँ इससे वो मॉरली भी सीखते हैं बड़ों के काम किए जाएँ कि मेरा जूता उठा के ले आओ जूते को रख दो या बर्तन उठा के किचन में रखाओ या किचन से बर्तन ले आओ दोनों सूरतों में वो बच्चे फिजिकल मूवमेंट की तरफ भी आते हैं उनकी अच्छी आदात भी डेवलप होती है। so हैं सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जब जो उनके हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हम कर सकते हैं वक्त पे सोएं वक्त पे उठें दांत साफ करें अपने आप को साफ सुथरा रखें और फिर ये सारी चीज़ें उनकी सेहत के लिए अच्छी हैं द थ्री मेन बेनिफिट्स ऑफ अर्ली न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन आर दैट इट इन्श्योर देयर ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स डिवेलप प्रॉपरली बिल्ड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीजे एंड बूस्ट अ चाइल्स एक्टिविटी लेवल एंड कॉगनेटिव फंक्शनिंग देखिए सारी बातें आ गई अगर हेल्दी न्यूट्रिशन होगी आपका ब्रेन भी ठीक से जो है वो फंक्शन कर रहा है आपके बाकी जो वाइटल ऑर्गनस हैं वो भी ठीक से काम कर रहे होंगे और फिर अगर आपका मुदाफियाती निज़ाम बेहतर हो जाएगा जो कि ख़ास तौर पर अच्छी खुराक की वजह से ही हो सकता है तो आप इन्फेक्शस डिजीज़ का भी मुकाबला कर सकते हैं और फाइनली आप कॉगनेटिव फंक्शनिंग भी बेहतर देंगे तो वो बच्चे जिनके जहन सेहतमंद होते हैं उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हमेशा दूसरों से बेहतर होती है हम कहते हैं कि अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड तो इट मींस के न्यूट्रिशन जो है वो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग योर चाइल्ड्स न्यूट्रिशनल इन टेक ड्यूरिंग देयर अर्ली चाइल्डहुड कम्स फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ देयर परफॉर्मेंस लेटर इन लाइफ so for example breastfeeding correlates with higher IQ, while iron deficiency correlates with poor academic performance during the school द स्कूल देखिए जो बिल्कुल इब्तदा में बच्चे के साथ हमने किया उसकी न्यूट्रीशन पर तवज्जो दी या नहीं दी दोनों सूरतों में सारी उम्र में उसके असरा जारी रहेंगे अगर बच्चे ने ब्रेस्ट फीडिंग की हुई है उसकी गजाई ज़रूरियात पूरी होंगी वो बहुत सी बीमारियों से बचा रहेगा क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग पे जो बच्चे छोटे होते हैं उनका मुदाफियाती निज़ाम बहुत अच्छा बन जाता है और फिर वो काफ़ी बीमारियाँ जो है वो उनसे बचा रहता है दूसरा ये कि अगर आप उनको खालिश ग देते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग उनकी जारी रखते हैं तो उनका आई क्यू भी बेहतर होता है जाहिर है जब आप बीमारियों से बचे रहेंगे तो दूसरे ऑर्गन्स के साथ साथ आपका ब्रेन भी बेहतर बनेगा भी और बेहतर फंक्शन भी करेगा फिर ये कि यह बच्चे जज्बाती तौर पर भी आप यूं समझें कि स्टेबल होते हैं अगर बच्चों को अच्छी खुराक मिल रही है अच्छा हजम हो रहा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आ रहा है उनका दिल खराब नहीं हो रहा तो वो स्टेबल होंगे वो सब्र का मुजाहरा करेंगे वो खेल कूद भी अच्छे से कर सकते हैं वो रोएंगे भी कम वो झगड़ेंगे भी कम एग्रेस लेवल भी उनका कम होगा तो सारी चीज़ों का इनहसार जो है वो दर हकीकत अच्छी न्यूट्रिशन पर है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो लोग कम जराए रखते हैं वो अच्छी न्यूट्रिशन नहीं दे सकते न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आपने झा के जो बुनियादी जो उसके अनासर हैं उनको पूरा करना है प्रोटीन भी देना है अब प्रोटीन गोश्त से भी दी जा सकती है प्रोटीन दाल से भी दी जा सकती है बहुत सी ऐसी दालें हैं जो प्रोटीन को रिप्लेस करती हैं और फिर फ्रूट जो हैं वो उनकी जगह कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो रिप्लेस करते हैं जैसे सेब और गाजर का लगभग एक ही फ़ायदा है तो इस तरह से अच्छी गज़ा हो साफ सुथरी हो खालस हो और बच्चों को वक्त पे मिले बे वक्त गज़ा ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम या ज़रूरत से ज़्यादा वक्फे से ये सारी चीज़ें बच्चे की हेल्दी न्यूट्रिशन जो है उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं तो हेल्दी न्यूट्रिशन के लिए लाइफ स्टाइल हो वक्त पे खाना दिया जाए मुनासिब साफ सुथरा मुनासिब मकदार में खाना दिया जाए बिला वजह खाने पर मजबूर करना भी बच्चे को हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं है हाँ अलबत्त दूध है या अंडा है उसकी कुछ मक़दार हर किसी एक हफ्ते में उसको हम दो या तीन दिन लाजमन दे सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हेल्दी न्यूट्रिशन के लिए इस को और वालदान को एक स्क्वेजल बना लेना चाहिए और उसके मुताबिक कौन सी गज़ा कितनी मकदार में कब बच्चों को दी जानी चाहिए इसकी आदत बना लें और फिर इस तरह से आप तो कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बच्चा एक हेल्दी बियंग के तौर पर मुशरे का मुफीद हिस्सा बनेगा